मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कीजिए, पहले के वीडियो सब देखिए। मैंने चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 5 तक सब कुछ कंप्लीट किया है। ये भी आज का वीडियो हमारा चैप्टर नंबर 5 जो है लास्ट वीडियो है, तो मैं डिक्लेयर करती हूँ कि ये चैप्टर हमारा कम्प्लीट हो जाएगा ये वीडियो के बाद। सो लेट्स स्टार्ट। तो सेल्स बुक क्या होता है? तो फिर से वही जो परचेज बुक होता है वही सेल्स बुक होता है। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट आर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। जो हम गुड्स सेल करने वाले क्रेडिट बेसिस पे, बस वही हमें रिकॉर्ड करना है। इसका मतलब क्या? कैश सेल्स हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। ओके, सो असेट न्यूज़पेपर जो हम सेल करते हैं वो हमें यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करना है, सिर्फ गुड्स, और वो भी कौन सा? क्रेडिट बेसिस पे, बस वही रिकॉर्ड करना है। अगर इसका प्रीवियस वीडियो आपने परचेज बुक का देखा होगा तो यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। सो प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियो जरूर देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। अ बिजनेस डीलिंग इन अ फर्नीचर, ऑफ कोर्स जो बिजनेसमैन फर्नीचर से डील करता है तो उसके लिए फर्नीचर ये गुड्स होगा, तो बेशक वो ये सेल्स बुक में लिखेगा। ये मैंने पहले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है आपको। कैश सेल्स ऑफ फर्नीचर विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। यस, वी नेवर राइट कैश बेसिस, ना हम परचेज बुक में कैश बेसिस लिखते हैं ना सेल्स बुक में हम कैश बेसिस लिखेंगे। जो उधारी पे हमने सेल किया है वही हमें लिखना है। ओके, सो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ऑलवेज रिकॉर्डेड नेट वैल्यू। जैसे कि परचेज सेल्स बुक में मैंने बताया था आपको कि नेट वैल्यू आफ्टर माइनस ट्रेड डिस्काउंट जो फाइनल वैल्यू आएगी दैट वी सपोज टू राइट आउटर कॉलम। सो लेट्स स्टार्ट। ये आपका फॉर्मेट है, सेम आपका परचेज बुक जैसा फॉर्मेट है वैसे ही है। हमें यहाँ पे डेट लिखनी है। परचेज बुक में हम यहाँ पे नेम ऑफ सप्लायर लिखते थे, लेकिन अब हम सेल कर रहे हैं तो हम कस्टमर को सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? नेम ऑफ सप्लायर, सॉरी नेम ऑफ कस्टमर। ओके, वही अगर परचेज बुक होता तो यहाँ पे आता नेम ऑफ सप्लायर। आउटवर्ड, हम आउटवर्ड मतलब हम बेच रहे हैं, हमारे फैक्ट्री से हमारा जो गुड्स है वो आउट हो रहा है, तो हमारे लिए ये आउटवर्ड इनवॉइस होगा। यही अगर आप परचेज बुक में देखोगे तो वहां पे इनवर्ड इनवॉइस दिया है, क्योंकि हमने परचेज किया है, हमारे फैक्ट्री में इन हुआ है। सो ये आपको थोड़ा सा केयर लेनी है। एलएफ एंड अमाउंट। सो लेट्स स्टार्ट। एक प्रॉब्लम देखते हैं। अब पहले हम कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या देखते हैं। सो सोल्ड गुड्स, तो हमने गुड्स सोल्ड किया है, क्रेडिट बेसिस पे किया है तो ये एंट्री जरूर आएगी। हमने यहाँ पे परचेस किया है, परचेस की तो एंट्री आती नहीं है, हमें सेल्स बुक में करना है तो सेल्स बुक में ऑफकोर्स सेल्स की एंट्री होगी। हाँ, अगर उन्होंने बोला होता परचेस बुक ओपन करो तो ऑफकोर्स हमने परचेस में किया होता, लेकिन फिर भी नहीं किया होता, ये कैश बेसिस है तो परचेस बुक में अगर उन्होंने कहा होता तो भी एंट्री नहीं आती, क्योंकि कैश बेसिस वे नेवर राइट इन बुक्स। नेक्स्ट इनवॉइस्ड, इनवॉइस्ड मतलब ये मैंने पहले जर्नल एंट्री के वक्त भी आपको सिखाया है, इनवॉइस का मतलब होता है सेल्स ऑफ गुड्स। ओके, टू नेहा ऑन क्रेडिट, तो दोनों गुड हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई है, हमने सेल गुड्स किया है और क्रेडिट पे किया है तो ये एंट्री आएगी। सोल्ड गुड्स टू मृणाल ऑन क्रेडिट, ऑफकोर्स यहाँ पे भी गुड्स और क्रेडिट है तो ये भी एंट्री आएगी। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर, नहीं हमें ओल्ड फर्नीचर का थोड़ी ये दुकान है हमारा, हम यहाँ पे गुड्स वर्ड यूज किया है। अगर यहाँ पे सोल्ड गुड्स होता तो हमने एंट्री की होती है, तो हमारा कोई तो एक फर्नीचर था जो हमने बेचा है तो ये एंट्री नहीं आएगी। तो पांच में से सिर्फ हमें तीन एंट्री करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। वेरी सिंपल, देखो यहाँ पे डेट लिखो वन, जो जो हम एंट्री करेंगे 1, 8 और 10 की एंट्री, तो कस्टमर कौन कौन से कस्टमर को हमने किया है वो नाम लिखा है हमने, इनवॉइस एवरीथिंग इज गिवन, सब कुछ दिया है आपको, अमाउंट एंड टोटल। ओके, सो वेरी सिंपल सेल्स बुक। अब सेम ऐसे हमारा सेल्स रिटर्न होगा, जिसमें हमने सेल्स, हमने किसी को रिटर्न किया है, कुछ डैमेज हो गया है तो वो हम एंट्री लिखेंगे। तो मैंने जैसे कि कहा था कि डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट हमें बनानी होती है, तो सेम यहाँ पे भी हमें क्रेडिट नोट, मैंने लास्ट वीडियो में ही कहा है कि डेबिट नोट जब परचेस रिटर्न होता है, हमने परचेस किया है और रिटर्न किया है किसी ने, तो उसे कहते हैं डेबिट नोट। अब यहाँ पे हमने सेल्स किया है और किसी ने सेल्स रिटर्न किया है तो यहाँ पे होता है क्रेडिट नोट। ओके, तो सेम यहाँ पे डुप्लीकेट बनाना होता है, ओरिजिनल सेंड करना होता है, एक कॉपी हमारे पास रखनी होती है। ओके, सो ये फॉर्मेट है, जैसे डेबिट नोट था वैसे ही क्रेडिट नोट है, सब कुछ यहाँ पे हमें फिर से डिटेल्स लिखना है। ओके,
हमने क्या रिटर्न किया, क्यों रिटर्न किया, क्यों रिटर्न आया, ये सब कुछ डिटेल हमें लिखने होते हैं। सो विल मूव टू द नेक्स्ट सिंपल एग्जाम्पल, गुड्स रिटर्न बाय रमा ट्रेडर्स। तो हम नाम लिखेंगे रमा ट्रेडर्स का, क्या रिटर्न किया है उन्होंने, 2100 का वाटर प्यूरिफायर। सो वाटर प्यूरिफायर 2100, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो वाटर प्यूरिफायर, ओके। और उसका इनवॉइस नंबर क्या दिया है, क्रेडिट नंबर देखो 10/2/18, तो यहाँ पे डेट भी लिखो, नंबर ही, ये नंबर ही उन्होंने डेट का ही नंबर बनाया है, ठीक है, यही नंबर लिखो। और कब रिटर्न किया है उन्होंने, 20 May, सो यहाँ पे लिखो, ओके। सो अगर आपने परचेज बुक अच्छे से किया है, परचेज रिटर्न अच्छे से किया है, तो सेल्स बुक और सेल रिटर्न बहुत आसान है। सो आई होप ये भी वीडियो समझ में आया है, समझ में आया तो लाइक कीजिए, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल पे जाके 11 बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की प्लेलिस्ट देखिए, मैंने वो पूरे प्लेलिस्ट में नियर अबाउट 35 वीडियोस अपलोड किए हैं, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5। तो आज मैं डिक्लेयर करती हूँ कि हमारा चैप्टर नंबर 5 भी कम्प्लीट हो चुका है, मैं जल्दी चैप्टर नंबर 6 के साथ आपको फिर से मिलूंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।